For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. जिस चीज के लिए हम बेसब्री से इंतजार में बैठे हुए थे दोस्तों, वो चीज फाइनली हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ आमिर खान जी के लुक के बारे में। लास्ट वीक हमें पता चलता है अमिताभ बच्चन जी का लुक, फातिमा सना शेख का लुक, विलन का लुक और साथ ही साथ कैटरीना कैफ का लुक। हम लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि यार अब आमिर खान जी का लुक आएगा, अब आमिर खान जी का लुक आएगा, लेकिन फाइनली मंडे को आता है दोस्तों आमिर खान जी का लुक और ही इज लुकिंग सो हिलेरियस। अगर आप उनके लुक को देखेंगे, लुक से पहले आपको बता दूं फिरंगी मल्लाह नाम है उनके कैरेक्टर का, जो कि अभी कसम वादे कह रहा है और कह रहा है, ज्यादातर क्या कहते हैं ना, माँ कसम, ये कह रहे हैं दादी कसम। एक टैग दिया है आमिर खान ने, नीचे लिखा है दोस्तों कि इनको हर कोई विश्वास करता है और ये हर किसी पे भरोसा करते हैं, इन पे हर कोई भरोसा करता है और साथ ही साथ ये भी लिखा है दादी कसम। कैरेक्टर को देखकर, उनके लुक को देखकर दोस्तों सिर्फ एक बात निकलती है कि कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हिलेरियस होने वाला है, फनी होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो ऐसे सलामी दे रहे हैं हंसते हंसते, वो उनके लुक, उनके मूड के बारे में काफी चीजें बयां कर रहा है। अगर आप बच्चन साहब के लुक को देखेंगे तो ही इज टोटली इंटेंस। वहीं अगर बात करें अगर फातिमा के लुक की तो शी इज ऑल्सो इंटेंस। कैटरीना कैफ मस्ती के माहौल में लग रही हैं और आमिर खान तो और भी ज्यादा डबल लग रहे हैं, गधे के ऊपर बैठे हुए हैं दोस्तों आमिर खान। तो कहीं ना कहीं गधा इनका प्रिय वाहक बन चुका है, जिसके वाहन बन चुका है, जिसके ऊपर वो सवारी करेंगे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों कि क्या होता है हश्र, लेकिन आई एम तो सुपर एक्साइटेड और मेरी तरफ से इस फिरंगी को मिलते हैं थम्स अप। आपको कैसा लगा ये लुक कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और फिल्म को लेकर अब क्या एक्साइटमेंट है ये भी बताइएगा। एंड हाँ, फिरंगी जो है दारू बहुत पीता है, अगर आप बगल में उसके देखेंगे तो दारू की बॉटल बांधी हुई है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय।